Assalamualaikum, 5th class. I hope you are doing well. Today your topic is punctuation from the textbook page number 49 and from the poem The Going Green. पंक्चुएशन में आज आपका है कॉमा. अ कॉमा इज यूज बिटवीन द आइटम्स इन अ लिस्ट. जब हमारे पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं एक लिस्ट में तो उनको हम डिफरेंट सेपरेशन के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. ओके, एग्जांपल द बॉय बॉट टोमेटोज एप्पल्स पियर्स एंड बनानास. ओके, उसने डिफरेंट चीज़ों को आइटम्स को उसने बाय किया बट हमने यहाँ पे कॉमा के साथ उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया. हाँ, टोमेटोज भी किए, एप्पल्स भी, पियर्स भी एंड बनानास भी. रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन कॉमास. आपने सेंटेंसेस को यू हैव टू राइट दीज सेंटेंसेस ऑन योर नोटबुक. योर फर्स्ट इज इन हिज शॉप ही सेल्स नट्स बॉल्स स्क्रूज पिंस एंड पियर. ओके, अब उसने डिफरेंट चीज़ों को उसने बाय किया बट हमने कॉमा के साथ उन चीज़ों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. During the holidays, he visited his brother. अब holidays में वो कहाँ visit करते हैं, ठीक है. He visited his brother, his uncle. अब उसने कहाँ visit किया, अपने brother की तरफ भी, अपने uncle की तरफ भी, comma. Then his father's friend, father friend की तरफ भी, comma. His grandfather and his grandmother. Okay? मतलब यहाँ पर उसने different जगहों पर visit किया और हमने उन different जगहों को comma के साथ separate कर दिया कि ये हाँ यहाँ यहाँ उसने विजिट किया. योर नेक्स्ट इज द लीफ फ्लोटेड विद इन विद द करंट व्हील राउंड एंड राउंड ट्विस्टेड अवर स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड देन डिसअपीयर्ड. ओके, देन यू कैन सी दैट हियर कॉमा आफ्टर करंट देन राउंड ट्विस्टेड अवर वी पुट कॉमा आफ्टर अवर स्टॉप फॉर अ मोमेंट कॉमा एंड देन डिसअपीयर्ड. योर नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द बेल्स ऑन द ट्रीज स्ट्रीम्स ऑफ एवरी कलर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग बैलून्स ऑफ ऑल शेप्स. ओके, यू कैन सी दैट कॉमा हेयर द बेल्स ऑन द ट्रीज. ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, स्ट्रीम्स ऑफ एवरी कलर हैंगिंग फ्राम द सीलिंग. अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेंटेंस को हमने कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया. अ लार्ज स्टार एंड मिलियंस ऑफ स्पार्किंग लाइट्स कम्प्लीटेड इन द हॉल. ओके, हॉल में डिफरेंट चीज़ें हैं, बैलून्स हैं, ओके, स्ट्रीमर्स हैं, लार्ज स्टार हैं और स्पार्किंग लाइट्स हैं. अब हॉल में जितनी चीज़ें हैं हमने इनको कॉमा के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, सेपरेट कर दिया. योर नेक्स्ट टॉपिक इज सफिक्स फ्रॉम द सेम पेज ऑफ टेक्स्ट बुक फ्रॉम द चैप्टर द इकोइंग ग्रीन. अ सफिक्स इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडिड एट द एंड ऑफ ए वर्ड विच मेक्स ए न्यू वर्ड. ओके, ये ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी वर्ड के एंड पे हम जब उसको ऐड करते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाता है. एंड द सफिक्स आई एन जी एंड ई टी टू द फॉलोइंग, देर आर डिफरेंट वर्ड्स और उनको हमने आई एन जी और ई टी के साथ एक न्यू वर्ड क्रिएट करना है. हेयर योर फर्स्ट वर्ड इज लॉफ, लॉफिंग एंड लॉफ्ट. ओके, हेयर वी एड आई एन जी एंड ई डी विद द लॉफ और ये एक न्यू वर्ड बन गया, स्टॉप, स्टॉपिंग एंड स्टॉप. द नेक्स्ट इज हिट, हिटिंग. बॉक्स, बॉक्सिंग. कैच, कैचिंग. थिंक, थिंकिंग. फिक्स, फिक्सिंग भी हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है. रन, रनिंग. प्लान, प्लानिंग. बॉयल, बॉयलिंग और ईट लगा दिया, बॉयल भी हो सकता है. सिट, सिटिंग. ठीक है, बैठता है. आई एन जी हमने लगा दिया. पोस्ट, पोस्टिंग एंड पोस्टेड. फ्लिप, फ्लिप्ड. शिप, शिपिंग. ज्वाइन, ज्वाइंट और ज्वाइनिंग भी हो सकता है. ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास ज्वाइन, अब हम ज्वाइंट हो जाएगा तो ये हमारे पास पास्ट में यूज होता है और आई एन जी के साथ हमारे पास ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है. तो एक जब ई एन जी, आई एन जी और ई टी जब हम लिखाएंगे तो एक न्यू वर्ड बनता है. ओके, देन उसके मीनिंग में भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाता है. फ्लैटन, फ्लैटिंग, फ्लैटन भी यूज, फ्लैट, फ्लैटिंग. पे, पेइंग. चैट, चैटिंग. प्लेस, प्लेसिंग या प्लेस्ड. ट्रैप, ट्रैप्ड या ट्रैपिंग. ओके, एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द पोर्टल. थैंक यू वेरी मच क्लास.